हेलो फ्रेंड्स आज हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे विथ कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री डिस्कस किया था उसको हमने यहाँ पे समराइज़ किया है अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है नहीं तो इस वीडियो के एंड में उसका आपको लिंक मिल जाएगा तो आज हम टाइप फोर टाइप फाइव एंड टाइप सिक्स डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप वन में हमने डिस्कस किया था जब ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स हो तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस रूट हंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा रूट हंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर टाइप वन में हमने डिस्कस किया था जब एंगल डिफरेंट हो तो इस केस में आप क्या करेंगे डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा माइनस ए माइनस बी फिर मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो डायरेक्ट साइन एक्स कॉस का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस बी क्या मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू अगर ए निगेटिव हो या बी निगेटिव हो तो उस केस में आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो सकता तो हमें मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा जब एक्स क्या हो जाए माइनस नाइन्टी डिग्री वाई क्या हो जाए वन एटी डिग्री फिर मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा जब एक्स क्या हो जाए नाइन्टी डिग्री वाई क्या हो जाए जीरो डिग्री फिर टाइप टू में हमने डिस्कस किया था ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इस फॉर्मेट पे हो तो जो कोफ़िशेंट बड़ा होगा वही क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा अगर ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा अगर बी छोटा है तो बी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा अगर यहाँ पे बी बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का बी हो जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा ए हो जाएगा फिर हमने डिस्कस किया था ए के स्क्वायर एक्स प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स इस केस में क्या होगा जो जो शे स्क्वायर का कोफिशियंट होगा वही क्या होगा मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगा इन्फिनिटी होगा हमने इसका माइनस में भी कुछ एग्जाम्पल लिया था वो आप देख सकते हैं जाकर फिर हमने डिस्कस किया था ए कौे के स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स हो तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा कोफिशियंट ऑफ कौे स्क्वायर एक्स यानी ए हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन्फिनी हो जाएगा इसमें भी हमने माइनस जब माइनस हो यहाँ पे तो उस केस में आप कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमने डिस्कस किया था आप जाके देख सकते हैं फिर टाइप थ्री में डिस्कस किया था ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं तो आज हम टाइप फोर डिस्कस करेंगे जब साइन एंड कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो विथ हायर डिग्री जब एन क्या हो इवेन एंड ऑड हो तो इस केस में हम कैसे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइन करेंगे तो पहले इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं उसके बाद इसको डायरेक्ट करने का तरीका हम देखेंगे तो पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ से निकालेंगे जब साइन थीटा इन कॉस थीटा दिया हुआ हो तो ये क्या दो डिफरेंट फंक्शन है साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन तो कभी भी आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो आपको क्या करना होगा डिफरेंट फंक्शन को आपको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं दो से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें दो से डिवाइड दे दें तो ये आ जाएगा टू साइन थीटा इंटू कोस थीठा इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन टू थीटा बाई टू अब हम जानते हैं साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस वन मैक्सीम वैल्यू क्या होता है वन तो जैसे ही यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे वन रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाय टू तो इस एक्सप्रेशन का क्या आ गया मिनिमम वैल्यू माइनस वन बाई टू मैक्सीम वैल्यू क्या आ गया वन बाई टू फिर अगर पावर इवेन में हो जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो ये भी क्या डिफेंड फंक्शन में इसको हम सिंगल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं क्या करेंगे टू के स्क्वायर से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें और टू के स्क्वायर से ही हम क्या कर दें डिवाइड कर दें तो ये किस फॉर्मूले पे आ जाएगा टू साइन थीटा इन कॉस कोस थीटा कहल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं भाई नीचे क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर अब हमने इस अब हम इसे लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा होल स्क्वायर बाई फोर अब यहाँ देखिए साइन क्या है स्क्वायर के फॉर्म में तो हम जानते हैं स्क्वायर जब साइन स्क्वायर के फॉर्म में हो तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा जीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन तो जैसे ही हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ज़ीरो बाई फोर जीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा जैसे ही यहाँ पे वन पुट करेंगे साइन स्क्वायर टू थीटा के जगह पर तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा वन बाई फोर तो इस एक्सप्रेशन का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आया जीरो मैक्सिमम वैल्यू वन बाई फोर अगर क्यूबिक के फॉर्म में हो जैसे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा तो इसे हम क्या कर सकते हैं टू के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टू के क्यूब से हम डिवाइड देंगे तो ये फॉर्मूले पे आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब इसे हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा का क्यूब बाई टू का क्यूब क्या आ जाएगा एट आ जाएगा साइन पे पावर क्या है यहाँ पे ऑड है तो इस केस में क्या होगा मिनिमम वैल्यू माइनस वन मैक्सीम वैल्यू क्या होगा वन होगा तो जैसे ही यहाँ पे हम माइनस वन पुट करेंगे क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू माइनस वन बाई एट और जैसे ही यहाँ पे हम वन पुट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा वन बाई एट आ जाएगा तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्यूब थीटा इन कॉस क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आया माइनस वन बाई एट एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आया वन बाई एट तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं जब साइन टू दावर एन थीटा इन टू कॉस टू दावर एन थीटा इफ एन इज क्या ऑड हो ऑड के केस में हमें क्या मिलेगा इसका मिनिमम वैल्यू माइनस वन बाई टू के पावर एन यहाँ देख रहे हैं टू के पावर क्यूब क्या आया एट आया माइनस में फिर टू पे पावर क्यूब इसका मैक्सिमम वैल्यू आया वन बाई एट तो हम कह सकते हैं जब एन ऑड हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का माइनस वन बाई टू पे पावर एन मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा वन बाई टू पे पावर एन जब एन क्या हो ऑड हो फिर जब एन क्या हो ईवेन हो तो साइन पे पावर एन थीटा कॉस ऑफ पावर एन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में यहाँ देख रहे थे इस केस में जब हमने पावर इवन लिया था तो इस केस में क्या हो जाएगा जब पावर इवेन हो एन क्या हो इवन हो तो हमने इवेन का एक केस लिया था इवन एक केस में मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू वन बाई फोर आया था वन बाई फोर कब आएगा टू का टू पे पावर एन तो जब पावर इवेन हो तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन बाई टू पावर एन हो जाएगा एन क्या है कोई इवेन नंबर तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे गए क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन का पूछा गया क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टू द पावर साइन टू द पावर फोर थीटा इन टू कॉस्ट टू दावर फोर थीटा तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे तो हमने डिस्कस किया था जब पावर क्या हो इवन में हो तो उसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन बाई टू पे पावर एन एन यहाँ पे क्या है फोर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं तो हम जानते हैं इसका इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ज़ीरो तो क्या हो जाएगा टू पे पावर ज़ीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा टू पे पावर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है वन बाई टू पे पावर एन एन क्या यहाँ पे फोर है तो वन बाई टू पे पावर फोर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वन माइनस थ्री साइन क्यूब थीटा इन कॉस क्यूब थीटा तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा ये ऑड है पावर में तो हमने ऑड में डिस्कस किया था मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस माइनस वन बाई टू पे पावर एन एन क्या यहाँ पर थ्री है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन बाई टू पे पावर एन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस थ्री साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा हम जानते हैं इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस वन बाई टू पर पावर एन यानी क्या थ्री तो एट हो जाएगा फिर वन बाई टू पे पावर थ्री वन बाई एट हो जाएगा मिनिमम वैल्यू आया है माइनस वन बाई एट मैक्सीम आया वन बाई एट इस एक्सप्रेशन का हमें पूरे एक्सप्रेशन का निकालना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तो जैसे ही यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू रखेंगे प्लस हो जाएगा प्लस होगा इसमें ऐड हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा यानी इसके मिनिमम वैल्यू पे हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एट यहाँ पर डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री बाई एट फिर वन में प्लस करेंगे क्या हो जाएगा एलेवन बाई एट हो जाएगा ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू फिर इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसके मैक्सिमम वैल्यू पे मिलेगा तो जैसे ही वन बाई एट डालेंगे तो क्या होगा थ्री बाई एट वन में से माइनस करेंगे थ्री बाई एट क्या आएगा फाइव बाई एट आ जाएगा जो क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन का एलेवेन बाई एट मिनिमम वैल्यू क्या होगा फाइव बाई एट तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा ये पूछा गया क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर फाइव जब साइन एंड कॉस क्या हो प्लस में हो और पावर क्या हो इवेन हो तो इस केस में हम कैसे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ से हम निकालते हैं पहला है जैसे एग्जांपल लें साइन पे पावर फोर प्लस कॉस ए पावर फोर थीटा तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ से हम इसे वन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा वन फिर ये आ गया एक्सप्रेशन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इन टू कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने टाइप फोर में डिस्कस किया था जब साइन इंटू कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो या इवेन पावर के फॉर्म में हो तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा जीरो होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है वन बाई टू पे पावर एन एन क्या यहाँ पे दो है तो दो का स्क्वायर हो जाएगा चार तो ये आया इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू अब जैसे ही मैक्स मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमने पीछे डिस्कस किया था तो मिनिमम वैल्यू जैसे ज़ीरो पुट करेंगे तो टू इंटू जीरो जीरो प्लस वन करेंगे तो वन आएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा क्या वन आ जाएगा फिर तो टू इंटू वन बाई फोर क्या होगा वन बाई टू वन में से वन बाई टू माइनस करेंगे क्या आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू वन आया मिनिमम वैल्यू क्या आया वन बाई टू आया फिर एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे साइन पे पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस पे पावर सिक्स थीटा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा। साइन प्लस कॉस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन पे पावर फोर थीटा फिर प्लस बी ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस पे पावर फोर थीटा फिर माइनस ए बी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं वन इसे हम क्या लिख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन आ चुका है वन माइनस टू साइंस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब यहाँ से यह क्या आ जाएगा टू साइंस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइंस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब ये केस यही है यहाँ पे टू था यहाँ पे क्या है थ्री है तो हम जानते हैं इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है ज़ीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है वन बाई फोर तो जैसे ही मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा थ्री इंटू ज़ीरो जीरो फिर वन में प्लस करेंगे क्या मिल जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू वन होगा फिर मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा इसके मैक्सिमम वैल्यू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन बाई फोर तो वन बाई फोर यहाँ पर पुट करेंगे क्या होगा थ्री बाई फोर और थ्री बाई फोर को वन में से माइनस करेंगे क्या आएगा वन बाई फोर आ जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस्ट टू द पावर सिक्स थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वन मिनिमम वैल्यू क्या होगा वन बाई फोर तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकलेगा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल सकता है कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो साइन टू पावर एन थीटा प्लस कॉस टू पावर एन थीटा तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा वन मिलेगा जो थीटा क्या होगा ज़ीरो डिग्री या नाइन्टी डिग्री पे मिलेगा मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा वो कब मिलेगा एट फोर्टी फाइव डिग्री एट फोर्टी फाइव डिग्री तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का एक रूल है जब क्या हो पॉजिटिव हो पावर क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए तभी ये रूल अप्लाई करेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा वन मिलेगा एट जीरो डिग्री या नाइन्टी डिग्री पे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा पैंतालीस डिग्री पे मिलेगा तो जैसे हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करना है तो डायरेक्ट पुट करेंगे जीरो डिग्री या नाइन्टी डिग्री जीरो डिग्री पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो डिग्री जीरो कॉस जीरो डिग्री वन तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें वन मिल जाएगा जो यहाँ आ चुका है फिर मिनिमम वैल्यू के लिए क्या पुट करेंगे हम फोर्टी फाइव डिग्री तो फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन फोर्टी फाइव डिग्री क्या होता है वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू पावर फोर क्या होगा वन बाई फोर हो जाएगा फिर यह भी हो जाएगा वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर क्या आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा जो इसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं इससे तो इस पर यह क्वेश्चन पूछा गया एस एस सी सी टी एल का क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर एट थीटा प्लस कॉस्ट टू द पावर फोर्टीन थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने डिस्कस किया था ज़ीरो डिग्री या नाइन्टी डिग्री पुट करेंगे हमेशा क्या आएगा वन आएगा मिनिमम वैल्यू के लिए क्या पुट करना होगा फोर्टी फाइव डिग्री तो फोर्टी फाइव डिग्री जैसे ही पुट करेंगे तो हम जानते हैं साइन फोर्टी फाइव डिग्री क्या होगा वन बाय रूट टू वन बाई रूट टू पे पावर एट क्या हो जाएगा वन बाय टू पे पावर फोर हो जाएगा प्लस फिर कॉस पैंतालीस डिग्री क्या होगा वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू पावर फोर्टीन क्या होगा वन बाय टू पे पावर सेवन हो जाएगा ये मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा क्या होगा वन होगा तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो यहाँ से टू पे पावर फोर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा वन यहाँ क्या बचेगा टू पे पावर थ्री इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टू पार थ्री यानी एट एट प्लस वन नाइन नाइन बाई टू पे पावर थ्री तो इसे हम क्या लिख सकते हैं नाइन बाई टू पे पावर फोर टू पे पावर थ्री टू पे पावर सेवन आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू वन मिनिमम वैल्यू क्या होगा नाइन बाई टू पे पावर सेवन एस एस सी का पूछा गया क्वेश्चन है फिर टाइप सिक्स है टाइप सिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें अक्सर स्टूडेंट डाउट्स में रहते हैं और गलती करते हैं तो यहाँ पे हम दो कौनसेप्ट बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अल्जेब्रिक मेथड एक है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल जोमेट्रिक मीन चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं अल्जब्रिक मेथड तो जैसा कि हमने लिखा यहाँ साइंस स्क्वायर थीटा फिर उसका रेसिप्रोकल है फिर कॉस स्क्वायर थीटा फिर उसके रेसिप्रोकल का सम फिर टेन स्क्वायर थीटा फिर फिर उसके रेसिप्रोकल का सम तो यहाँ से हम ये लेते हैं ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा इसको अल्जब्रिक मेथड से अगर हम इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालें कैसे निकाल सकते हैं तो इसे हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो रूट ए टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे फिर रूट बी कॉट को क्या लिख सकते हैं वन बाई टेन थीटा इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा फिर क्या करें प्लस माइनस टू कर देते प्लस टू ए बी टेन थीटा वन बाय टेन थीटा माइनस भी करना होगा टेन थीटा वन बाई टेन थीठा तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ये कंसिडर करेंगे अब प्लस टू ए बी क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं इसका रीज़न है तो यहाँ पर कंसिडर करें अगर माइनस टू ए बी तो यहाँ से क्या हो सकता है रूट ए साइन थीटा माइनस रूट बी बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा क्या ये टेन टेन कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा क्या टू रूट ए इंटू बी होगा अब हम जानते हैं ये स्क्वायर के फॉर्म में है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है अब पॉजिटिव में भी मिनिमम नंबर कौन सा है जीरो तो जीरो इसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा टू रूट अंडर ए इंटू बी अब ये ज़ीरो कब हो सकता है अब ये ज़ीरो कब होगा जब ये पार्ट इसके इक्वल हो जाए यानी ए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए बी बाई टेन थीटा यानी इसको अगर हम क्रॉस करें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बी बाय टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा रूट अंडर बी बाई रूट अंडर ए अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा ये तो पॉजिटिव है पॉजिटिव में में इनफाइनाइट हो सकता है तो इनफाइनाइट जैसे ही ऐड करेंगे इसमें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या आया अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए तो ये वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर की जगह पे तो रूट ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट अंडर ए बी फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो रूट पी से बी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा रूट हंडर ए बी तो रूट हंडर ए बी रूट अंडर ए बी एड होकर क्या मिलेगा हमें टू इंटू रूट अंडर ए बी जो क्या होगा मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन्फिनी हो जाएगा अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो क्या होता ये कंसीडर करते हैं तो फार्मूला क्या बनता प्लस में ए टेन थीटा प्लस बी बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ बचता कौन सा टर्म ये टर्म बचता यहाँ से टेन टेन कैंसिल माइनस टू लूठंडर ए बी ये टर्म बचता तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आया तो हम जानते हैं स्क्वायर पॉजिटिव होता है अब पॉजिटिव में भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा ज़ीरो तो ये ज़ीरो कब होगा जब ए टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट अंडर बी बाई टेन थीटा के इक्वल हो तो इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा माइनस रूट हंडर बी बाई रूट हंडर ए जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता नहीं तो यह क्या होगा इमेजनरी नंबर हो जाएगा इसलिए हम प्लस वाला कंसिडर नहीं करते हैं तो स्टूडेंट तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं सेकेंड मेथड अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन तो अब सेकेंड मेथड लेते हैं तो equal, तो equal, हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट हम यूज कब करेंगे जब क्या हो पॉजिटिव रियल नंबर हो जैसे यहाँ पे कोफिशियंट है टेन का और कॉट का ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए यहाँ भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए ये भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या है अर्थमेटिक गेटर और इक्वल जोमेट्रिक मीन वैलिड होगा तो जैसे हम इसका निकालें ए टेन स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू इस मेथड से तो क्या कर सकते हैं जब दो डिजिट गिवेन हो ए एंड बी तो उसका सम बाई टू हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट उसका प्रोडक्ट ए इंटू बी तो यहाँ पे ए क्या है ये पार्ट है बी क्या है ये पार्ट है तो इसमें अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन हम लगा रहे हैं तो इसे कैसे लिखेंगे ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा बाई टू ग्रेटर और इक्वल रूट ंडर इसका प्रोडक्ट ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू बी कोट स्क्वायर थीटा अब यहाँ से देख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है तो यहाँ से क्या आएगा ए इंटू बी आ जाएगा रूट अंडर ए इंटू बी होगा अब जैसे ही दो का कर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू रूट अंडर ए बी आ जाएगा जो इसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा एट टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटर और इक्वल टू रूट हंडर ए बी होगा तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल जो मेट्रिक मीन का यूज़ करके भी आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या आया टू इन टू रूट हंडर ए बी आया फिर साइन एंड कॉस के केस में दो केस लगेंगे जब ए क्या हो ग्रेटर और इक्वल बी हो जब ए क्या हो बड़ा हो या बी से बराबर हो तो उस केस में आपका मिनिमम वैल्यू जो होगा टू इंटू रूट हंडर ए बी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी अगर बी बड़ा है यानी को से स्क्वायर का कोफिशियन बड़ा है या इक्वल है ए से तो इस केस में क्या होगा मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी फिर सिमिलर केस है ए कॉसक्वायर थीटा प्लस बी से स्क्वायर थीटा हो अगर ए बड़ा और इक्वल है बी से तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा टू रूट अंडर ए बी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी अगर बी बड़ा हो या इक्वल हो ए से यानी शे के स्क्वायर का कोफ़िशेंट बड़ा हो या इक्वल हो ए से तो इस केस में क्या होगा मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन्फिनी तो इस कॉन्सेप्ट को हम पहले डिस्कस करते हैं अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसे स्क्वायर थीटा का केस हो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूट अंडर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी कोसे स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा वन बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर फीस में अगर हम प्लस टू रूट हंडर ए बी एन माइनस टू रूट हंडर ए बी सब टेक कर दें एन प्लस कर दें तो इसे लिख सकते हैं रूट साइन थीटा माइनस रूट अंडर बी बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हमने माइनस टू रूट अंडर ए बी को कंसीडर किया बचा क्या टू रूट अंडर ए इंटू बी अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर के फॉर्म में हम जानते हैं स्क्वायर पॉजिटिव होता है अब पॉजिटिव में भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा ज़ीरो तो ज़ीरो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा टू इंटू रूट अंडर ए बी तो ये ज़ीरो कब आएगा जब ये पार्ट इक्वल हो जाए यानी रूट अंडर ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो बी तो रूट अंडर बी बाई साइन थीटा अब यहाँ से हम सिम्प्लीफाई करें इसे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी बाई रूट अंडर ए अब इस केस में आप देखें अगर बी का वैल्यू बड़ा हो गया जैसे मान ले थ्री हो गया ए का वैल्यू टू हो गया तो ये क्या आएगा रूट अंडर वन पॉइंट फाइव तो क्या आएगा वन से ग्रेटर आएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइंस स्क्वा थीटा का वैल्यू वन से ग्रेटर आया जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइंस स्क्वा थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है मैक्सिमम वैल्यू वन तो इस केस में जब बी बड़ा हो ए छोटा हो तो इस केस में हम स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं डिफ्रेंसीशन मेथड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए तो इस केस में हम क्या करेंगे गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे एन इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो उस केस में हमें थीटा जो मिलेगा नाइन्टी डिग्री मिलेगा अब थीटा नाइन्टी पे जो होगा ये मिनिमम आएगा तो थीटा जैसे ही पुट करेंगे गिवेन एक्सप्रेशन में तो साइन नाइन्टी वन कॉशेक नाइन्टी वन तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा हमें ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा तो ये मैक्सिमम आ गया ये मिनिमम है ये मिनिमम वैल्यू तो हमें ध्यान रखना है जब कौशिक स्क्वायर का कोफिशियंट बड़ा हो साइंस स्क्वायर के कोपिशियंट से तो उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आएगा ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इन्फिनिटी सिमिलर केस आप कौस्वायर प्लस ए स्क्वायर में यूज़ करेंगे इस केस में क्या आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा तो इस केस में आप क्या करेंगे इसको डिफेंशिएशन करेंगे फिर इक्वेट टू ज़ीरो करेंगे तो इस केस में आपको थीटा मिलेगा जीरो डिग्री तो जीरो डिग्री जैसे ही पुट करेंगे इस फंक्शन में तो हमें मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा ए प्लस बी मिल जाएगा क्योंकि कॉस ज़ीरो डिग्री वन तो ए आएगा फिर से एक जीरो डिग्री क्या होगा वन बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इन्फिनी तो इस केस में भी हमें ध्यान रखना है जब बी का वैल्यू क्या हो ज़्यादा हो ए से या इक्वल हो तो उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आएगा ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इन्फिनी अगर से स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो प्लस कौर थीटा इस टाइप के हो तो कैसे करेंगे यहाँ पे ए देते हैं यहाँ पे बी जब ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कौे के स्क्वायर थीटा हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो कर से तो स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं टेन के फॉर्म में तो लिखेंगे ए प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसे स्क्वायर थीटा को हम कॉट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा फिर यहाँ से क्या आएगा बी प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा तो ए प्लस बी तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी हमने डिस्कस किया था ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा हो तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आएगा टू इंटू रूट अंडर ए बी इसी को सिंपलीफाई फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे रूट अंडर ए प्लस रूट हंडर बी का होल स्क्वायर क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इसे क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इस फॉर्मेट पे जब हो ए से स्क्वायर थीटा प्लस बी कौ स्क्वायर थीटा तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा रूट हंडर ए प्लस रूट हंडर बी का होल स्क्वायर तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जैसे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कौे के स्क्वायर थीटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कौशे स्क्वायर का क्या है कॉपीशियन बड़ा है साइन का छोटा है तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा ए प्लस बी अगर हम ए एम जी एम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि तो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है अगर ए एम जी एम यूज करें तो इसका आंसर आएगा ट्वेल्व जो क्या होगा रॉन्ग होगा क्योंकि ए एम जी एम हम यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर थीठा रूट हंडर बी रूट हंडर ए वन से इक्वल या लेस होना चाहिए तो जैसे हम यूज़ करेंगे अगर एम जी एम तो इस केस में क्या आएगा नाइन का रूट थ्री टू फोर का रूट क्या आएगा टू आएगा तो थ्री बाई टू आएगा वन पॉइंट फाइव जो क्या होगा वन ग्रेटर, जो इसके रेंज के बाहर है तो ये यूज़ नहीं हो सकता ए एम जी एम से तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मिनिमम वैल्यू थर्टीन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनी हो जाएगा फिर क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एंड इफ़ टू साइन वाई एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स तो हमने अभी डिस्कस किया था जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आता है टू आता है मिनिमम वैल्यू कब आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए इक्वल कब होगा एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इक्वल कब होगा जब एक्स इक्वल टू वन आ जाए तो एक्स इक्वल टू वन पे ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टू आ जाएगा क्योंकि तो यहाँ पे अब वन पुट करते हैं तो साइन पाई बाई टू क्या होगा वन वन इन टू 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 हो जाएगा जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा तो डायरेक्ट हम इसमें वन पुट करेंगे वन माइनस वन ज़ीरो आ जाएगा <coughs> फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में छः स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस से के स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो ये देख रहे हैं डिफरेंट फंक्शन है इसको क्या करना होगा हमें सिंगल फंक्शन में चेंज करना होगा क्योंकि हम जानते हैं इसका मिनिमम वैल्यू तो नाइन्टी डिग्री पर होता है तो ये जरूरी नहीं कि ये भी नाइन्टी डिग्री पर मिनिमम हो क्योंकि ये ये मिनिमम कब होता है कॉस स्क्वायर प्लस से के स्क्वायर जीरो डिग्री पे हमें तो क्या करना होगा ये जो फंक्शन है डिफरेंट फंक्शन इसको हमें सिंगल फंक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं तो इसे हम लिखेंगे साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर हम लिख सकते हैं स्क्वायर को वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स फिर से स्क्वायर को लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स फिर यहाँ पे है टेन स्क्वायर एक्स फिर कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा इसका वैल्यू वन होता है वन प्लस वन टू कॉट स्क्वायर टू टाइम्स है फिर टेन स्क्वायर टू टाइम्स है तो इसको क्या लिखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा थ्री प्लस टू तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है टू इंटू रूट अंडर ए बी ए क्या है इसका वन है बी क्या है वन है तो टू रूट अंडर ए बी करेंगे यानी वन इंटू वन ये क्या आएगा थ्री प्लस टू रूट अंडर वन वन ही होगा टू इंटू टू फोर तो ये क्या आएगा सेवन आएगा इसका क्या आएगा मिनिमम वैल्यू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू पूछा गया है फोर टू पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर टू पावर कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको करने का दो मेथड है एक तो डायरेक्ट कर लेंगे या एम ग्रेटर और इक्वल जी एम तो डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे जब इस फॉर्मेट पे हो जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग हो तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा जब एक्स इक्वल टू वाई हो जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब ये पार्ट इसके इक्वल हो जाए कब होगा साइन पैंतालीस डिग्री पे फोर टू दावर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर टू दावर फोर्ट स्क्वायर थीटा इक्वल कब होगा थीटा फोर्टी फाइव डिग्री पे तो थीटा जैसे ही हम इस पर पुट करेंगे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा तो थीटा पैंतालीस डिग्री पे क्या होगा ये वन बाई टू प्लस कॉस पैंतालीस डिग्री वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू का स्क्वायर क्या होगा वन बाई टू तो हम जानते हैं ऐसे लिखेंगे इसको रूट अंडर फोर प्लस रूट अंडर फोर ये क्या आएगा टू प्लस टू फोर हो जाएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू फोर हो सकता है अगर आप एम ग्रेटर देन जी एम यूज करेंगे तो ये ए एम ग्रेटर और इक्वल जी एम अगर यूज करते हैं तो इसे हैं तो क्या होगा इसको ए मानेंगे बी मानेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर और इक्वल ए इंटू बी ग्रेटर और इक्वल रूट अंडर ए इंटू बी तो ये क्या है तो यहाँ से ये यह क्या आ जाएगा फोर टू दावर पावर साइंस स्क्वायर थीटा प्लस फोर टू दावर कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर और इक्वल अब यहाँ देख रहे हैं बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा ऐड होगा पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा वन होगा तो फोर टू दावर वन फोर होगा फीस का रूट निकालें क्या आएगा टू आएगा बाई दर टू है तो फिर इसका हमें वैल्यू निकालना है तो टू इंटू टू करें क्या आएगा फोर आएगा तो आप ए एम गेटर और इक्वल जी एम से भी फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं तो सो so स्टूडेंट हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स तो प्लीज़ कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स I tried to reply your answer thanks for watching